एनआईएस बोर्ड से क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और 2024 के अंदर ही आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन की और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और घर बैठे एडमिशन भी ले सकते हैं। सो यू वॉचिंग PSC NIS, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर हम बात करें NIS बोर्ड की, तो ये भारत सरकार का ही बोर्ड है जिसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। तो ये बोर्ड उन बच्चों के लिए है जो टेंथ या ट्वेल्थ में फेल हो गए हैं किसी भी बोर्ड से, या फिर जो काफ़ी टाइम से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी लास्ट डेट। अगर आपको 2024 के अंदर ही अपने एग्ज़ाम देने हैं, सो लास्ट डेट जो है विदाउट लेट फीस वो आपकी निकल चुकी है। अभी लेट फीस के साथ एडमिशन हो रहा है, लेकिन ये आपका एक लास्ट चांस है। इसके बाद 2024 सेशन के एडमिशन जो है वो बंद हो जाएंगे। 29 फरवरी तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं ₹400 लेट फीस के साथ। अगर आप 29 फरवरी तक भी नहीं ले पाते तो आपको एक और मौका मिल जाता है, वो है आपका 15 मार्च तक का। तो 15 मार्च तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें आपकी 700 लेट फीस लग रही है। अभी विदाउट लेट फीस आपका जो है एडमिशन क्लोज हो चुका है, ये लेट फीस के साथ ही आपका एडमिशन अभी हो रहा है। सो 15 मार्च तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर 15 मार्च तक आप एडमिशन नहीं ले पाते तो उसके बाद सेशन 24 के एडमिशन कम्प्लीटली क्लोज हो जाएंगे, और अगर आप उसके बाद एडमिशन लेते हैं तो फिर आपका अप्रैल 2025 के लिए फिर रजिस्ट्रेशन होगा, यानी फिर 2025 में जाकर के आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ये तो हो गई लास्ट डेट की बात। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट आपके क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। 10th के लिए आपको 8th या फिर 9th की TC की ज़रूरत होती है, पास या फेल इट डजंट मैटर। इसके अलावा आपका आधार, इसके अलावा आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और एक सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए। अगर क्लास 12th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। 10th की मार्कशीट पास की होनी चाहिए, इसके अलावा आपका आधार, फोटो और सिग्नेचर। NIS बोर्ड में जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, इसका मतलब आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं आप घर बैठे अपना एडमिशन करा सकते हैं। जहां कहीं भी आप एडमिशन कराएं, ये एक बार कंफर्म कर लें कि एडमिशन होने से लेकर के एग्ज़ाम होने तक वहां से आपको सारी गाइडेंस मिलेगी या नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी या नहीं। क्योंकि क्या होता है, NIS बोर्ड में बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते तो काफ़ी सारी चीज़ों का उनको पता ही नहीं चलता, जैसे कि उनके असाइनमेंट, उनके प्रैक्टिकल, एग्ज़ाम फीस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बच्चों का साल भी ख़राब हो जाता है। तो एडमिशन लेने से पहले आप एक बार ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने से मिलेंगी या नहीं। आप जहाँ कहीं से भी चाहे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ले वहाँ से जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप चाहें तो PSC NIS यानी हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। 7303838500 ये हमारा नंबर है। ना केवल आपको एडमिशन करवाते हैं, इसके अलावा एडमिशन होने से लेकर के रिजल्ट आने तक, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने तक सारा गाइडेंस आपको दिया जाता है, जिसके अंदर सॉल्व प्रैक्टिकल, सॉल्व असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बताते हैं, टाइम टू टाइम सारी अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है, कंसल्टेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहती, आपको सोचना नहीं पड़ता कि हमें अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। आप बस आराम से घर रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके फ्रेंड को, रिलेटिव को, भाई बहन को, किसी को भी एडमिशन कराना है, काफ़ी टाइम से उनकी पढ़ाई छूटी हुई है या फिर किसी बोर्ड से वो फेल हो गए हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। NIS बोर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, इसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी कि CBSE, ICSE या फिर अदर स्टेट बोर्ड्स की है। तो एडमिशन लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।